नमस्कार टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। 25 अक्टूबर की तारीख पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन पंजाब के फरीदकोट से मध्य प्रदेश के सियोनी जा रही थी। रोजाना की तरह ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। तभी दोपहर 3:37 पर अचानक से आगरा से 10 किलोमीटर दूर भांडे स्टेशन के पास ट्रेन की दो जनरल बोगियों में चीख पुकार मच गई। कारण आग है। जी हाँ, दरअसल ट्रेन में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। ट्रेन को तुरंत रोका गया और यात्री अंदर से बाहर निकलने लगे। कुछ यात्रियों ने तो खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस हादसे में 11 लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए, लेकिन उनकी जान बच गई। तुरंत घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मौके पर पहुंचे रेल प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रेन के कोचों में लगी आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आखिर आग कैसे लगी, इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन जिस शख्स की वजह से ये बड़ा हादसा कम में ही टल गया, वो कोई और नहीं बल्कि रेलवे गेटमैन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फाटक 487 पर तैनात गेटमैन यशपाल सिंह ने ट्रेन से धुआं उठते देख लिया था। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रेन के दोनों डिब्बों की विद्युत सप्लाई काट दी और दोनों कोच को फिर ट्रेन से अलग कर दिया। अगर समय पर गेटमैन धुआं उठने की सूचना नहीं देता तो शायद कोई बड़ी अनहोनी हो जाती।